मैं इसका समर्थन करता हूं और ये तीन कानून है, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने एनएसपी जो है ना, इसने जो यो है ना, ये क्या नाम है, केजरीवाल, हाँ। इसने रोक रखी है ना, हमारे दिल्ली वालों को फायदा हो सकता था इसमें, इसलिए दोनों हाथों में लड्डू ले रहे हैं। उधर मोदी जी ने बिल पास किया, इन्होंने धन्यवाद किया, हाँ। आज दूसरी पलटी मार रहे हैं, इधर यूं ही पंजाब वाला, सिर्फ डेढ़ या दो स्टेट हैं, बाकी चारों तरफ तो राम राज आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अब किसानी में राम राज अब आने वाला है। बिल्कुल, इस बिल से आप बिल्कुल ये कहना चाहते बिल्कुल हैं। हम अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं, हाँ। नजफगढ़ नहीं ले रहे, हमारे को मूल्य ठीक नहीं मिल रहा, उसको जज्जर बेच देंगे, हाँ। अगर हम दूसरे आदमी को किसी को बोने के लिए दे देते हैं, और तो वो आदमी कब्जा नहीं कर सकेगा, गवर्नमेंट के ये ऑर्डर है, आपकी ये जमीन रहेगी, हड़पन नहीं सकता कोई भी। ये जो कहते हैं कि भाई हम किसान के हितैषी है, देखिए जब सरकार ने एमएसपी का 1800-1900 रुपए का रेट किया पिछले साल, जी। दिल्ली सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री गोपाल राय नजफगढ़ की मंडी में आए, और उस वक्त हमको ये आश्वासन दिया, मैं उस वक्त उस मीटिंग में हाजिर था, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपसे 2616 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे। और उसके बाद में हमने कैलाश जी को बुला करके 6 महीने के बाद में ये दिखाया कि नजफगढ़ की मंडी में 2616 के हिसाब से 1 किलो गेहूं भी नहीं बिका। कितनी भारी झूठ, कितना बड़ा गद्दारी हमारे साथ इन लोगों ने की है। आज ये किसान के हितैषी बन गए, ये किसान के हितैषी नहीं है, ये समझते हैं कि ये आंदोलन जो है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, केजरीवाल साहब ये सोचते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से मैं पंजाब के ऊपर भी कब्जा कर लूंगा, इसके माध्यम से मैं दिल्ली पर कब्जा तो कर ही रखा है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है, कल देखो आपने अखबार पढ़ो देखो कि मैं यूपी में भी इलेक्शन लड़ूंगा, ये तो सारे देश का भट्टा भट्टा के रहेगा।